अक्षिता नाश्ता करने से पहले अर्पित के रूम में गई। अर्पित ने उससे पूछा, मम्मी तुमने शॉल क्यों ओढ़ रखा है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अर्पित अपना सामान संभाल रहा था और उसने अक्षिता को सरप्राइज होकर देखा। और तुम रात को अपने कमरे में भी नहीं गई थी, तो तुम क्या पापा के रूम में सोई थी? अक्षिता ने जब यह सवाल सुना तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। डर के मारे वो पानी पीना चाहती थी। फिर अर्पित का वापस एक और सवाल आ गया, क्या मम्मी पापा तुम्हें हमेशा परेशान करते हैं फिर भी तुम उन्हीं के साथ जाकर सो गई? पानी पीते पीते अक्षिता का मन कर रहा था कि वो उसी में डूब कर मर जाए। ये बच्चा बहुत तेज था, उसे सब कुछ पता था, वो ये सब टीवी से ही तो सीख रहा था। अक्षिता सोच रही थी कि अर्पित कितनी बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, क्योंकि मम्मी पापा का साथ सोना तो नॉर्मल होता है। अर्पित तुम ज्यादा ध्यान मत दो और स्कूल जाओ। अक्षिता को समझ नहीं आया कि वो और क्या कहे, इसलिए उसने इस तरह का जवाब दे दिया। लेकिन उसने देखा भी नहीं कि आज अर्पित के कपड़े कुछ अलग थे। अर्पित ने अक्षिता को सरप्राइज होकर देखा, मम्मी तुम भूल गई आज मैं स्कूल नहीं जा रहा। क्या? अक्षिता थोड़ी चौंक गई, क्या संडे है? नहीं आज तो थर्सडे है, क्या आज तुम्हारा स्कूल बंद है? अर्पित ने अपने हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ रखी थी, वो हिलाते हुए अक्षिता को दिखाई, नहीं मेरे स्कूल की छुट्टी नहीं है, लेकिन मैं एक शो की शूटिंग के लिए जा रहा हूं जो मैं और दिशा आंटी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? अक्षिता को लगा कि उसका सर फट जाएगा। वो बिल्कुल भी शांत नहीं लग रही थी। वो कुछ देर अर्पित के कमरे में उसके बिस्तर पर बैठ गई और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या चल रहा है। स्कूल की टीचर ने अर्पित को काफी लंबी छुट्टी दे दी थी और ये बात उन्होंने अक्षिता से भी कही थी कि अर्पित के बर्थडे के बाद उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं है, और आयुष की फैमिली ने पहले ही अर्पित के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था, अर्पित के लिए एक नया टीचर, ताकि उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। अक्षिता कभी भी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए। उसे लग रहा था कि अर्पित पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, लेकिन अर्पित खुद भी काफी जिद्दी था और आयुष भी चाहता था कि वह अभी से बाहर की दुनिया देखे और संभाले। अर्पित अपनी मम्मी के लिए भी पैसे कमाना चाहता था। अर्पित देख रहा था कि उसकी मम्मी कितनी टेंशन में आ गई है। अपनी मम्मी को यूं देखकर अर्पित भी परेशान हो गया। उसने अपनी मम्मी के सामने अपना हाथ हिलाया और पूछा, मम्मी तुम क्या सोच रही हो, तुम सुबह से ही परेशान लग रही हो। अक्षिता ने अपना सर हिलाया, वो खुद भी सरप्राइज्ड थी क्योंकि उसकी टीचर ने उसे बताया था फिर भी वो भूल गई। उसे लगा कि वो आगे से कभी दारू नहीं पिएगी। नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, मैं भूल गई थी कि आज तुम क्या करने वाले हो। अक्षिता ने उसके हाथ से वो स्क्रिप्ट ली और उसे देखने लगी। वो शो बड़े लोगों का था। अक्षिता को लग रहा था कि वो अर्पित के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। अर्पित तुम ये शो कैसे करोगे, मुझे तो स्क्रिप्ट बहुत मुश्किल लग रही है। अर्पित ने अपना सर हिलाया, नहीं ये मेरे लिए बहुत आसान है, और अगर हमें साथ में खुश रहना है तो मम्मी मुझे करना पड़ेगा ना। अक्षिता ने अर्पित के सर पर हाथ रखा। वो खुश थी कि उसका बेटा उसके लिए चिंता करता है। अक्षिता को बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि दिशा बहुत चालाक लड़की है। उस दिन दिशा वापस अक्षिता से मिली थी, दोनों घर खरीदने आए थे, वहां पर खूब सारे घर थे। दिशा के लिए चूज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, घर पसंद करना तो गरीबों की दिक्कत होती है। दिशा चाहे तो कितने भी घर एक साथ खरीद सकती है। वहां पर पास में एक घर था जिसके आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा था। उस घर का मालिक जानता था कि इस घर को बेचना मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे कमाना है। उसने दिशा को अच्छी अच्छी बातें कहकर घर के लिए राजी करवा लिया। उसे कन्विंस करना इतना आसान नहीं था, लेकिन एक दिक्कत और थी, उस घर को खरीदने के लिए आयुष की भी परमिशन चाहिए थी। तो अगर कोई घर खरीदना भी चाहे तो जब तक आयुष हाँ नहीं बोलता तब तक वो घर खरीदा नहीं जा सकता था, क्योंकि आयुष रियल एस्टेट का मेंबर था और वो घर का इंचार्ज भी था। लेकिन ये बात दिशा को पता नहीं थी, उसे वो घर बहुत पसंद आया था, वो उस घर को खरीदना चाहती थी, आसपास काफी हरियाली भी थी। दिशा ने उस मकान मालिक से कहा कि वो इस घर को खरीदना चाहती है, ये कहकर वो वहां से चली गई। उसके बाद रियल एस्टेट वालों की मीटिंग हुई। ये बातें सब ने आयुष से भी डिस्कस की, लेकिन आयुष ने मना कर दिया, वो नहीं चाहता था कि ये घर दिशा को अलॉट हो। रियल एस्टेट के लोगों को ये बात सही नहीं लगी, वो चाहते थे कि ये घर जल्दी से जल्दी बिक जाए। उन लोगों ने आपस में सहमति की और आयुष को उस मेंबरशिप से निकाल दिया। उन्होंने वो घर दिशा को अलॉट कर दिया, लेकिन इस बात से पब्लिक खुश नहीं थी। उन्हें नहीं अच्छा लगा कि मेंबरशिप से आयुष को निकाल दिया गया। वो लोग दिशा के लिए काफी नेगेटिव कमेंट लिखने लगे। दिशा ने हैंड टू हैंड उस घर के मालिक को पैसे दिए और अपने सारे नेगेटिव कमेंट डिलीट करवा दिए। लोगों ने फिर अर्पित के अकाउंट पर कमेंट लिखने चालू कर दिए, हम अर्पित का शो देखना चाहते हैं, लेकिन दिशा बेशरम औरत है और अर्पित बहुत मासूम है। अर्पित तुम दिशा के साथ शो मत करो, वो बहुत खराब औरत है। दिशा वो कमेंट देखकर थोड़ा डर भी गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी शूटिंग में कोई रुकावट ना आए। वो चाहती थी कि अर्पित जब तक यहां है शूटिंग आराम से हो, वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी। उस शो के डायरेक्टर ने दिशा पर बहुत बुरी तरह चिल्ला दिया था, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में वो किसी और को ढूंढ भी नहीं पा रहा था। उन्होंने दिशा को आखिरी वार्निंग दी। जब तक दिशा वहां पर थी कोई उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। शो शुरू करने से पहले यहां पर काफी सारी ग्रुप परफॉर्मेंसेज हो रही थी जिसे लोग अपने फोन से भी शूट कर रहे थे। ये सब देखकर दिशा को गुस्सा आ रहा था। एक के बाद एक वहां पर परफॉर्मेंस हुए जा रही थी।
लेकिन जैसे ही अर्पित आया सब खुश हो गए। अर्पित वैसे ही बहुत सुंदर लगता था और आज जिस तरह के कपड़े उसने पहने थे सब उसको पकड़कर किस कर रहे थे। जितने भी लोग दिशा के पास खड़े थे सब लोग हट के अर्पित के पास चले गए। लोग उसका ऑटोग्राफ मांग रहे थे। ये सब देखकर दिशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये मेरी इंडस्ट्री है, यहां लाइमलाइट मुझ पर होनी चाहिए, लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं। उसकी असिस्टेंट वहीं पर खड़ी थी, वो देख रही थी कि दिशा किस तरह गुस्सा हो रही है। उसने धीरे से कहा, दिशा तुम इस वक्त गुस्सा नहीं हो सकती, इस चीज को दूसरी एंगल से भी तो देखो। ये तुम्हें अच्छा मौका दे रही है, तुम्हें शो की शूटिंग काफी मेहनत से करनी पड़ेगी, तभी लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता सुधर पाएगा, लोग घर की बातों को अच्छे से भूल जाएंगे। उसकी असिस्टेंट ने पहले अर्पित को देखा फिर दिशा को देखा। उसने सोचा कि अर्पित सचमुच कितना प्यारा लग रहा है और दिशा एक डरावनी औरत, इसीलिए सब अर्पित से इतना प्यार करते हैं। वो भी अर्पित को पसंद करती थी, उसके साथ फोटो और ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। दिशा को पता नहीं था कि उसके असिस्टेंट के दिमाग में ये बातें चल रही हैं। वो देख रही थी कि लोग किस तरह अर्पित को प्यार कर रहे थे। उसने सोचा कि उसकी असिस्टेंट ठीक कह रही है। उसके बाद डायरेक्टर की आवाज़ आई, सब एक्टर्स को अकेला छोड़ दो। सबको अर्पित को गोदी से उतारना पड़ा और अपने काम पर लगना पड़ा। इस शो का ओपनिंग सीन बहुत ही अट्रैक्टिव था, जो कि इस शो का मेन पार्ट भी था। सब लोग सीन को बहुत अच्छे से देख रहे थे। क्या सब रेडी है? उस शो का कंटेंट ये था कि उस शो में कुछ विलन होते हैं और उन विलन से बचने के लिए माँ और बेटा काम करते थे ताकि वो उनसे दूर रहे। गैंगस्टर उन दोनों को परेशान करने के लिए उनके घर में आते हैं, तभी दोनों माँ बेटा डर कर खड़े रहते हैं। लेकिन अर्पित आगे आता है अपनी मम्मी के आगे और कहता है, डरो मत। गैंगस्टर उसकी मम्मी को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, तभी अर्पित भाग कर आता है और वहीं पर सीन कट हो जाता है। डायरेक्टर को यह सीन बहुत पसंद आया। वो लोग अगले सीन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अर्पित के हाथों से खून बह रहा था। शो के स्टाफ को लग रहा था कि वो सिर्फ नकली खून है, लेकिन अर्पित को काफी दर्द हो रहा था। उसने डायरेक्टर से कहा, अंकल मुझे चोट लग गई है। नहीं बेटा डरो मत, ये चोट नहीं है, ये तुम्हें नकली खून लगाया गया है। डायरेक्टर को लगा कि अर्पित नकली खून को असली समझ रहा है। शो के स्टाफ भी देखकर हंस रहे थे कि वो नकली खून से डर रहा है, लेकिन जब वो लोग उस खून को साफ करने आए तब उन्हें समझ में आया कि सचमुच चोट लग गई थी। जल्दी आओ, अर्पित को चोट लग गई है। सब लोग बहुत सरप्राइज्ड हो गए। अर्पित को उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। अक्षिता को जैसे ही ये खबर मिली वो भागकर हॉस्पिटल आई। अर्पित के हाथ में चोट आई थी, लेकिन अर्पित बहुत छोटा था, उसे दर्द कैसे बर्दाश्त होता। अर्पित को यूं देखकर अक्षिता बहुत परेशान हो गई। उसने रुमाल से अर्पित का चेहरा पोंछा। कुछ देर वो वहीं पर रुकी और फिर बाहर चली गई। आखिर अर्पित को चोट आई कैसे, अक्षिता ने बाहर खड़े स्टाफ से पूछा, लेकिन वो एकदम चुप खड़ी थी। अगर सारा सामान नकली था तो उसे चोट कैसे आई, बताओ। अक्षिता को बहुत गुस्सा आ रहा था और जाहिर सी बात थी क्योंकि अर्पित उसका बेटा है। वहां के स्टाफ को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब दे। मिस अक्षिता आप परेशान मत होइए, हम जरूर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको और आयुष सर को हम बता देंगे। उसी रात दिशा भी वहां पर आई खूब सारे फूल और खिलौने लेकर। पता लगा लेंगे का क्या मतलब होता है, उसके हाथ में इतनी चोट आई है, अगर कहीं और लग जाती तो। दिशा ने आते ही उन लोगों को डांटा और वो दूर से अर्पित को देख रही थी। आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम आगे की शूटिंग कैसे करेंगे, अर्पित इतना छोटा है। ये बातें सुनकर स्टाफ भी थोड़ा परेशान हो गया, आखिर वो लोग ऑडियंस को क्या कहेंगे। अक्षिता को लग रहा था कि दिशा सिर्फ नाटक कर रही है, वो आयुष के सामने अच्छा बनना चाहती थी, लेकिन शायद दिशा को पता नहीं था कि इस वक्त वहां पर आयुष था ही नहीं। दिशा के साथ साथ वहां पर और भी मीडिया के लोग आ गए थे। ये सब देखकर अक्षिता को अच्छा नहीं लगा और वो वापस अर्पित के पास चली गई। चोट तो अर्पित को ज्यादा लगी थी। अर्पित ठीक से सोया नहीं। उसके सपनों में आ रहा था कि वो अभी भी शूटिंग कर रहा है और गुंडे उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ रहे हैं। मम्मी मम्मी, सपने में ही अर्पित चिल्लाने लगा, लेकिन सपने में दिशा की जगह अक्षिता थी। अक्षिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके आंसू गिरने लगे। अक्षिता सोच रही थी कि जरूर उसे गहरी चोट लगी है। अर्पित तुम्हारी मम्मी यहीं है बेटा, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मुझे तुम्हारे साथ शूटिंग पर आना चाहिए था। चोट तो अर्पित को ज्यादा लगी थी, उसने कस के अक्षिता का हाथ पकड़ा हुआ था। मम्मी तुम खुद को ब्लेम मत करो, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, मैं फूंक मार देती हूँ बच्चे। जहां पर अर्पित को चोट लगी थी अक्षिता वहां पर फूंक मारने लगी। डॉक्टर ने उसे पट्टी लगा दी थी, लेकिन फूंक मारने से कोई असर नहीं हुआ, होता भी कैसे। अर्पित तुम मेरी बात मानो और ये शूटिंग वगैरह बंद कर दो, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगी, हम अकेले रहेंगे जैसे पहले रहते थे, मम्मी खूब मेहनत करेगी और तुम्हें अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएगी। अर्पित ने अपना सर हिलाया, मम्मी मैं आपके साथ बाहर रहने चलूंगा, लेकिन मुझे ये शूटिंग पूरी करनी पड़ेगी, लोग इस शो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं ये शो नहीं छोड़ सकता, मैं एक बहुत स्ट्रांग लड़का हूं ना। अक्षिता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अर्पित ये शूटिंग पूरी करे।
लेकिन वो अर्पित का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहती थी। उसने अर्पित के डिसीजन की रिस्पेक्ट की। जब वो ठीक हो जाएगा वो इसकी शूटिंग पूरी करेगा और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। अक्षिता अर्पित से बात कर रही थी, तभी बाहर से बहुत शोर सुनाई दिया। अक्षिता को लगा शायद आयुष आ गया है। पूरे दिन आयुष रियल एस्टेट वालों के साथ मीटिंग में बिजी था। उन्होंने आयुष को बाहर करके बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका उन्हें नुकसान भी भुगतना पड़ा और उसे वापस मेंबरशिप मिल गई। आयुष ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि उन्होंने उस मकान के ज्यादा पैसे लगाए थे। दिशा से तो आयुष बाद में निपट लेगा। आयुष हॉस्पिटल आया और दिशा उसके पास भाग कर गई। आयुष, वो बातें जो फैल रही है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है। दिशा आयुष के सामने रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन आयुष को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस वक्त अर्पित के बारे में सोच रहा था। अर्पित को चोट लग गई थी और वो उसको देखने का इंतजार नहीं कर सकता था। आयुष ने दिशा से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम एक स्टार हो, कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम चाहो तो लॉयर हायर कर सकती हो, लेकिन खैर, क्योंकि अब तो तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं वाला है। ये कहकर आयुष अर्पित के कमरे में चला गया। अर्पित, आयुष ने अर्पित के कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि अक्षिता और अर्पित दोनों बातें कर रहे थे। तुम्हारी चोट कैसी है? डैडी, क्या आपको पता है मुझे कितने टांके लगे? उसने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। नहीं अर्पित, हाथ मत हिलाओ। तुम्हें चोट कैसे लगी? मैंने सुना कि वहां पर जो सामान था वो नकली नहीं था। अक्षिता ने अपना सर हिलाया। मुझे भी पता चला, जहां पर नकली चाकू रखा था वहां पर किसी ने असली चाकू रख दिया। ये सुनकर आयुष भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। वहां पर असली चाकू क्या कर रहा था? मुझे स्टाफ मेंबर्स ने कहा है कि वो लोग अच्छे से छानबीन करेंगे और जो भी खबर आएगी वो बता देंगे। क्या जिसने अर्पित को चोट लगाई उसे पकड़ा गया? आयुष ने पूछा। मैंने ये बात पूछी थी, लेकिन जो गुंडे एक्टिंग कर रहे थे उन्हें पता नहीं था कि वो चाकू असली है। उन्होंने जानबूझकर अर्पित को चोट नहीं लगाई। इसका मतलब यहां पर दो चीजें हुई हैं, या तो किसी ने उसे बदला है या तो फिर वहां पर नकली चाकू था ही नहीं। अक्षिता ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ शायद ऐसा हो सकता है। आयुष ने अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप किया, शूटिंग के सेट पर मेरे आदमियों को भेजो और इन्वेस्टिगेट करवाओ। मम्मी पापा, आप लोग इस चीज को बाद में डिस्कस कर लेना, अभी आप लोग मुझसे बातें करो। अर्पित को लग रहा था कि अगर वो नहीं बोलता तो उसके मम्मी पापा उससे बात ही नहीं करते। पापा, आपने अभी तक भी नहीं पूछा कि मुझे कितने टांके लगे हैं। आयुष ने सोचते हुए कहा, शायद 15। जब आयुष छोटा था तब उसे भी इसी तरह की चोट लगी थी, लेकिन अर्पित जैसे नहीं, तब आयुष को 15 टांके लगे थे। अर्पित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, लेकिन थोड़ा आसपास ही है। अक्षिता जानती थी कि अर्पित को 12 टांके लगे थे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी आयुष के लोगों का मैसेज आया। उन्होंने आयुष को रिप्लाई किया। वो मैसेज देखकर आयुष का चेहरा गुस्से में बदल गया। क्या ये प्रोब्स के बारे में है? अक्षिता ने पूछा। आयुष का चेहरा देखकर अक्षिता अंदाजा लगा पा रही थी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में लग रहा था। सेट पर तो कोई प्रोब ही नहीं था, इसलिए वहां के स्टाफ ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जिसने भी अर्पित को हर्ट किया है उसे पता था कि अर्पित को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, और इतनी देर में उसने सारा सामान साफ कर दिया ताकि वहां पर कोई एविडेंस ही ना बचे। ये सुनकर अक्षिता बहुत सरप्राइज हो गई। ऐसा कौन है जो इस बच्चे के साथ ऐसा करना चाहेगा? मतलब किसी ने जानबूझकर अर्पित को चोट लगाई है, या तो किसी की दुश्मनी अर्पित से है या फिर हमारी फैमिली से। तभी आयुष कुछ कहने वाला था, लेकिन किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। आयुष की मेड उनसे मिलने आई थी। वो अर्पित के लिए खाना लाई थी। उन्होंने कहा, मुझे दादी ने भेजा है। जब उन्हें पता चला कि अर्पित को चोट लग गई है उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, और वो कुछ ही देर में यहां पर आ जाएंगी। अक्षिता ने अर्पित को बैठाया और खाना खिलाया। वो देख रही थी कि अभी भी आयुष कितना गुस्सा है। उसने आयुष से कहा, तुम घर चले जाओ, मैं अर्पित के साथ यहां पर हूं। आयुष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं तुम चले जाओ, तुम सुबह से यहीं पर हो, तुम जाकर आराम करो और कल सुबह आ जाना। नहीं पापा, तुम घर जाओ, मुझे मम्मी के साथ रहना है। अर्पित बहुत परेशान हो गया जब उसने सुना कि उसकी मम्मी जा रही है, और जो खाना खा रहा था उसके कपड़ों पर गिर गया। अक्षिता ने उसे साफ किया, वो अपनी मम्मी से दूर नहीं जाना चाहता था। उसे अपनी मम्मी से खूब सारी बातें करनी थी, जैसे कि स्पाइडरमैन के बारे में, घर के बारे में, अपने स्कूल के होमवर्क के बारे में और जो शूटिंग पर हुआ। लेकिन वो ये सब अपने पापा से नहीं कह सकता था। अर्पित की बात सुनकर आयुष को भी गुस्सा आ गया। मेड को लगा कि माहौल कुछ ठीक नहीं है। उसने बीच में कहा, आयुष सर, आप सुबह जल्दी निकल गए थे, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए, मैं यहाँ पर अक्षिता और अर्पित के साथ रहती हूँ। जब मेड ने ये बात कही तो अक्षिता को याद आ गया कि पिछली रात उसने क्या किया था, और फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। वो आयुष से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, और ये सब आयुष नोटिस कर पा रहा था। पिछली रात अर्पित आराम से अपने कमरे में सोया था, लेकिन वो बहुत थक गया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि अक्षिता और आयुष के बीच में क्या हुआ था। अर्पित ने देखा कि उसकी मम्मी ने अपना सर नीचे कर रखा है और वो चुपचाप बैठी हैं। उसे लगा कि वो मेड के साथ नहीं रुकना चाहती, और अर्पित भी अपनी मम्मी के साथ अकेले वक्त बिताना चाहता था।
अर्पित ने कहा, नहीं आंटी, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ पापा के साथ और दादी से कहना कि मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। ठीक है फिर बेटा, जैसा तुम कहो, आराम करना अच्छे से और खाना, ठीक है, खुश रहो। थैंक यू सो मच आंटी, अर्पित ने अपना हाथ हिलाकर उनको बाय कहा। आयुष के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, वो भी घर चला गया। जब आयुष गाड़ी चला रहा था तो उसे अर्पित की ही याद आ रही थी। जब उसे पता चलेगा कि अर्पित को किसने चोट लगाई है, वो जिंदा नहीं बचेगा। अर्पित ने अपना खाना खत्म कर दिया और अक्षिता को देख रहा था। मम्मी, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन मैं ये पूछना भूल गया कि आप थक रही हो क्या? अक्षिता ने उसे एक अच्छी सी स्माइल दी और कहा, नहीं अर्पित, आज मैं काम पर ही नहीं गई, मैं पूरे दिन घर पर ही थी, मैंने घर पर आराम किया था इसलिए मैं थकी हुई नहीं हूँ। मम्मी, क्या तुम घर देखने गई थी? अक्षिता ने अपना सिर हिलाया और कहा, अर्पित, तुम्हें अभी भी याद है? कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा सा घर ढूंढ दूंगी, फिर हम वहाँ जल्दी ही चलेंगे। नहीं मम्मी, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑफिस का भी काम होता है और अब घर भी ढूंढोगी, दो चीज़ें आप एक साथ नहीं कर पाओगे। अक्षिता उसके लिए कॉमिक बुक लाई थी जो अर्पित खोलकर पढ़ने लगा। अक्षिता चाहती थी कि अर्पित कुछ दिन आराम करे, वो पढ़ाई से और अपनी शूटिंग से छुट्टी ले ले। ऐसे भी अर्पित बाकी बच्चों से काफ़ी स्मार्ट था और जो टीचर उसके लिए आयुष ने अरेंज किया था वो कुछ दिन बाद आएगा। वो चाहती थी कि कुछ दिन अर्पित रिलैक्स करे। तभी अक्षिता का फ़ोन बजा और उसमें अर्पित के बारे में खबर थी। अक्षिता थोड़ी क्यूरियस हो गई और उसने फ़ोन खोल कर देखा। जब अर्पित को चोट लगी तो दिशा भी हॉस्पिटल पहुंची। अर्पित को काफ़ी चोट लगी, उसके हाथों में टांके आए और दिशा को आंसुओं में देखा गया। काफ़ी मीडिया वालों ने दिशा की फोटो डाली थी जिसमें वो अपने आंसू पोंछ रही थी। वहाँ पर दिशा का इंटरव्यू भी था। मैं चाहती हूँ इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, आखिर अर्पित को चोट आई कैसे, जब मैं अर्पित को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। दिशा की फोटो थी जिसमें वो अपने आंसू पोंछ रही थी और काफ़ी गुस्सा भी थी, जो कि उसके फैंस को अच्छा नहीं लग रहा था। अक्षिता और नीचे करके पढ़ती गई, वो देखना चाहती थी कि सचमुच दिशा के फैन हैं या फिर नकली लोग। लोग अर्पित के बारे में बात करते करते आयुष और दिशा पर भी आ गए। उन लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि क्या दिशा और आयुष में घर को लेकर फाइट चल रही है, क्या आयुष ने उसे धमकाया है, क्या आयुष अपने पोजीशन रियल एस्टेट में खोने का बदला दिशा से लेगा। काफी सारे लोग इन सब चीजों पर भी कमेंट कर रहे थे। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था और दिशा वापस मीडिया में छा गई। वो हमेशा अर्पित की वजह से ही होता है, भले ही इस बार अर्पित को चोट लगी थी लेकिन हाईलाइट दिशा हुई थी। सब कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा था। ये सब देखकर अक्षिता के सर में दर्द होने लगा। उसने अपना फोन नीचे रखा और वो बाहर कॉफी लेने चली गई। जब वो बाहर गई उसने देखा कि वहां पर कोई मीडिया नहीं थी और कॉरिडोर एकदम खाली था। अक्षिता को लग रहा था मीडिया वाले बात को ज्यादा ना बढ़ा दें। दिशा वापस शूटिंग पर नहीं गई, वो थक गई थी इसलिए अपने घर पर चली गई। अक्षिता जानती थी कि दिशा सिर्फ अर्पित की चिंता करने का नाटक करती है। वो जानती थी कि आयुष के होते हुए दिशा कभी भी अर्पित का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये सब सिर्फ उसकी एक्टिंग है, वो एक प्रोफेशनल एक्टर है। वो एक अच्छी औरत होने का नाटक करती है जो कि अर्पित से प्यार करती है और उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन इन सब में वो खुद को विक्टिम बना रही है। ये सब दिशा के लिए मजाक था, उसके मन में कोई सच्ची फीलिंग्स नहीं थी। वो ये सब करके आयुष की फैमिली में घुसना चाहती थी, वह अब और क्या ही कर सकती है। अक्षिता दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें भी चल रही थी। वो सोच रही थी कि अगर ये सब शूटिंग का स्टाफ ने नहीं किया, दिशा ने नहीं किया, तो आखिर अर्पित को चोट किसने लगाई? कौन है जो अर्पित को चोट लगाकर अपना फायदा ढूंढ रहा है? अब तो पूरी दुनिया जानती है कि नकली प्रोब्स को असली में बदल दिया गया था। अक्षिता को लग रहा था कि शायद ये सब दिशा ने किया है, उसने अर्पित को चोट लगाई और फिर अर्पित का इस्तेमाल किया ताकि वो दुनिया के सामने और आयुष के सामने अच्छी बन सके। क्या अगर ये सब सच हुआ तो क्या होगा? ये सब सोच सोच के अक्षिता का दिमाग खराब हो रहा था। उसने कॉफी ही नहीं पी और वापस अर्पित के कमरे में चली गई और उसने देखा कि अर्पित आराम से अपनी किताब पढ़ रहा था। वो सोच रही थी कि ये सब दिशा ने किया है और हो सकता है वो अर्पित के कमरे में जाकर उसे चोट पहुंचा दे। क्या हुआ मम्मी, तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम थक गई? अर्पित ने अपने हाथ से वो बुक नीचे रखी और अक्षिता को देखने लगा। अक्षिता ने भी अपना सर हिलाया, उसे लगा वो कैसी बातें सोच रही है। नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा आराम कर रही थी, अक्षिता ने अपनी बातों को ठीक करते हुए कहा। वो अर्पित को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मम्मी, अभी तुम कहाँ गई थी? मैं बस बाहर कॉफ़ी लेने गई थी। तो कॉफ़ी कहाँ है? अक्षिता के हाथ में कॉफ़ी नहीं थी। मम्मी, ज़रूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम मुझसे नहीं छुपा सकती। अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुमको मेरी चिंता हो रही है या कोई और बात है? अक्षिता अर्पित को नहीं बताना चाहती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें सोच रही थी और वो उन सब चीज़ों में अर्पित को नहीं लाना चाहती थी। नहीं, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, बस वो कॉफ़ी की दुकान थोड़ी दूर थी और मुझे लगा कि अर्पित अकेला है इसलिए मम्मी को चिंता हो गई और मैं वापस आ गई। अर्पित ने अक्षिता की बातों पर यकीन कर लिया। अच्छा मम्मी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, फिर आपको मेरी चिंता नहीं होगी,
नहीं नहीं, तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो। अक्षिता ने उसे मना कर दिया। अरे मम्मी, मेरे हाथ में चोट लगी है, पैरों में नहीं। मैं कम से कम हॉस्पिटल में चल सकता हूँ, और मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, इसलिए आप मुझे बाहर ले चलो। अर्पित वहाँ बैठे बैठे बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वह पूरे दिन भर सोया था और अब उसे नींद नहीं आ रही थी, और एक हाथ से वो ना ड्राइंग बना पा रहा था ना कुछ काम कर रहा था। वो इस वक्त बाहर जाना चाहता था, लेकिन अक्षिता ने उसे मना कर दिया। नहीं, अभी तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें थोड़े दिनों बाद बाहर ले जाऊंगी। अर्पित थोड़ा निराश हो गया। ठीक है, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आप अपने लिए कॉफ़ी ले आओ और मेरे लिए कुछ खाने का सामान ले आना, जो दादी ने खाना भेजा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, अर्पित ने अक्षिता को कहा। अर्पित की बातें सुनकर अक्षिता हंसने लगी। घर का खाना अच्छा क्यों नहीं लगा? और अब इतनी रात को मैं तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगी, तुम्हें जो खाना है कल खाना, अभी काफ़ी देर हो गई है। अर्पित ने अक्षिता की बात मान ली और वापस अपनी कॉमिक बुक पढ़ने लगा। इस वक्त अर्पित बहुत प्यारा लग रहा था। अक्षिता अर्पित को ही देख रही थी, उसे अर्पित पर बहुत दया आ रही थी। फिर उसने अपना खाना खाया और अर्पित को दूध दिया। आयुष की फैमिली में आयुष की माँ ने पूछा, आयुष अर्पित कैसा है? मैंने सुना कि प्रोप्स बदल दिए गए थे, क्या सचमुच कोई जानबूझकर उसे चोट लगा रहा है? अर्पित की चोट के बारे में सुनकर दादी का बीपी काफ़ी बढ़ गया था। नहीं दादी, चिंता मत करो, ये सब सिर्फ झूठी खबरें हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये पता लगाना है कि किसी ने जानबूझकर उसे चोट लगाई है या सब सिर्फ एक हादसा था। अगर किसी ने जानबूझकर उसे चोट लगाई है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी दादी जानती थी कि आयुष अपनी बातों का पक्का है, वो उस इंसान को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा जिसने अर्पित को चोट लगाई होगी। उसने उन शो वालों को बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद दादी ने वापस से अक्षिता के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, यह औरत अर्पित की माँ बनने लायक है ही नहीं। अर्पित इतना छोटा है और उसे अभी से एक्टिंग करने भेज दिया। आयुष ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि दादी का ये टॉपिक खत्म ही नहीं कर पा रही थी। उन्हें अक्षिता के अलावा और कोई मिलता ही नहीं था। दादी, तुम गलत समझ रही हो, अक्षिता ने अर्पित को शूटिंग के लिए एक बार भी नहीं बोला था। यह अर्पित का डिसीजन था शूटिंग करना, और मैं भी चाहता था कि वो बाहर की दुनिया को अच्छे से समझे, इससे पहले कि वो अपना फैमिली बिजनेस संभाले। तुम मुझे मत समझाओ, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, मैं जानती हूँ अक्षिता कैसी औरत है। मैं उसे पहली नज़र में देखते ही समझ गई थी कि वो अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है, दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। आयुष के सिर में दर्द होने लग गया था, उसकी दादी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। दादी, तुम चिंता मत करो और जाकर आराम कर लो। दादी को शांत करवाने में आयुष ने बहुत मेहनत की और वापस अपने कमरे में चला गया। उसका बिस्तर एकदम साफ सुथरा था, लेकिन उसमें अक्षिता की महक थी। आयुष को पिछली रात याद आ रही थी। अक्षिता को शायद ये बात पता नहीं थी कि जो घर अर्पित को पसंद था उसे दिशा खरीदने की सोच रही थी। इस बात को रियल एस्टेट वालों ने ही आयुष को बताया था। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उसका घर छोड़कर बाहर चली जाएगी। क्या उसको दादी से दिक्कत हो रही थी, या क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? अगर वो मेरा घर पहले छोड़कर जाती तो मुझे समझ में भी आता, लेकिन इस वक्त दादी तो उसके यहाँ रहने से राजी हो चुकी हैं, तो फिर आखिर अक्षिता ये क्यों कर रही है? क्या वो अब भी अर्पित को अपने साथ ले जाना चाहती है? सोच सोच कर आयुष टेबल पर अपना हाथ मार रहा था। उसने कभी बताया नहीं कि वो घर छोड़कर जाना चाहती है। पूरे दिन से रिया ने कुछ खाया नहीं था, तभी उसके पास आयुष का एक मैसेज आता है, और उसे लग रहा था कि अब उसका सर फट जाएगा। आयुष ने उससे कहा था कि जो घर अर्पित को पसंद था उसे खरीद ले, और उसमें एक कमरा सजाए जो कि स्पाइडरमैन की थीम पर होना चाहिए। ये सोच सोच कर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या आयुष अक्षिता और अर्पित को अपने साथ बाहर ले जाना चाहते हैं? आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? सब जानते हैं कि आयुष की दादी अर्पित से कितना प्यार करती हैं। अगर आयुष उनके साथ ऐसा करेगा तो उनकी हेल्थ पर भी कितना असर पड़ेगा। और वो सोच रही थी कि अगर दादी ने उसे गुस्से से नौकरी से निकाल दिया तब वो क्या करेगी। उसने अपने बाल कस के पकड़े और टेबल पर अपना सर मारने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अक्षिता ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी, अर्पित की देखभाल करने के लिए अर्पित का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। वो जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। जब बूढ़ी दादी ने अर्पित को देखा वो रोने लगी। आयुष ने ही अर्पित को परमिशन दी थी कि वो वापस अपना काम कंटिन्यू कर सकता है, और इसमें उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन दादी को लग रहा था कि ये सब अक्षिता ही करवा रही है। अर्पित ने कहा, दादी रोना मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अर्पित ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा कि वो किसी मुसीबत में नहीं है, लेकिन आयुष की माँ और दादी समझ नहीं रहे थे। अक्षिता थोड़ी दूर ही खड़ी थी, वो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उन्होंने आयुष की माँ को देखकर स्माइल की और वापस चली गई, लेकिन अक्षिता को पता नहीं था कि ये सब करने से वो बूढ़ी दादी को गुस्सा दिला रही है। दादी को लग रहा था कि अक्षिता उसे इग्नोर कर रही है। इस बात पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनका पोता आयुष किस बात पर उससे इतना अट्रैक्टेड है। दिशा की रेपुटेशन अर्पित की वजह से थोड़ी ठीक हो गई थी, और उसे थोड़े और काम भी मिलने लगे, लेकिन दिशा के पास कुछ फ्री टाइम भी था जिसमें वो अपना घर देखने चली गई थी। दिशा की असिस्टेंट ने कहा, दिशा पिछली बार इस घर को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, क्या तुम सचमुच अभी ये घर खरीदना चाहती हो?
हाँ बिल्कुल, मैं घर खरीदना चाहती हूँ। मैं उस इंसिडेंट को भूल चुकी हूँ और मैंने ये रेपुटेशन भी कमा ली है। अर्पित को चोट पहुँचाकर यह अच्छा रहा, यह सब मेरे लिए फायदेमंद रहा है। ये सुनकर उसकी असिस्टेंट बहुत सरप्राइज्ड हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये सब बातें आयुष तक ना पहुंचाए। दिशा को वो घर काफ़ी पसंद था, उसने अभी तक ये घर खरीदा नहीं था, लेकिन वही घर आयुष को भी पसंद आया था। उसने रियल इस्टेट मेंबर वालों से बात करके अपने लिए वो बुक करवा लिया। जब दिशा ने बात की कि वो इस घर को खरीदना चाहती हैं, तो वहाँ के मेंबर्स ने कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन ये घर बिक चुका है, हम आपको ये घर अब नहीं दे सकते। क्या बिक चुका है, लेकिन ये घर किसने खरीदा? हमें बताया गया है कि ये आयुष ने अपने ही बेटे के लिए खरीदा है। ये सुनकर दिशा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि आखिर आयुष ने ये क्या सोचकर यह घर खरीदा है। फिर दिशा ने कहा, अब वैसे भी इस घर की फ्यूचर मालकिन तो मैं ही होने वाली हूँ, मैं उस घर को देखना चाहती हूँ। दिशा उस घर को देखने की जिद करने लगी। दिशा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची जहां पर वो घर बना हुआ था। उसने देखा वहां पर एक कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ था, वो बच्चों का कमरा लग रहा था, और दूसरा कमरा था जिसे फूलों से और लाइट्स से सजाया गया था। उस कमरे को देखकर लग रहा था कि वो जरूर किसी लड़की का ही कमरा होगा, और एक लड़की को क्या चाहिए। लेकिन दिशा उस कमरे को देखकर गुस्सा करने लगी, ये कैसा रूम डेकोरेशन है, यहां से इतनी हवा आ रही है। दिशा की बातें सुनकर वहां के वर्कर्स थोड़े सरप्राइज हो गए और कुछ देर के लिए उसे देखने लगे, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए उन्होंने अपना काम कंटिन्यू किया। जब लोग दिशा को इग्नोर कर रहे थे तो उसे और भी गुस्सा आ गया। वो वहां की वॉलपेपर को खराब कर देना चाहती थी, लेकिन उसकी असिस्टेंट ने उसे रोक लिया और कमरे के बाहर ले गई। दिशा, तुम्हें खुद को शांत करना पड़ेगा, ये सारी डेकोरेशन आयुष करवा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सब कुछ उस अक्षता के लिए तैयार किया गया है, तुम फटाफट पता लगाओ कि ये सब क्या है। वहां के स्टाफ दिशा को देख रहे थे, वो किस तरह बात कर रही थी। मिस दिशा, क्या आप बाकी घर को देखना चाहती हैं? अभी यहां पर काफी सारे घर हैं जो बिकने को तैयार हैं। माय फुट, दिशा ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था, ये घर आयुष अक्षिता को दे देगा और वो उसके साथ यहां पर रहेगा, और ये घर उसने तैयार भी करवा लिया। वो अक्षिता को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसने सोचा उसे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा अगर उसे आयुष को पाना है तो। कुछ दिनों बाद वापस दिशा आयुष के घर गई खूब सारे गिफ्ट्स लेकर। आयुष की मेड ने दादी से कहा, दादी जी दिशा यहां पर आई है। आयुष की मां ने दादी को बोला, मम्मी अगर आप उससे मिलना नहीं चाहते तो मैं उसको जाने को बोल देती हूँ। आयुष की माँ को दिशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो भी उसने हरकत की है उसके बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहती थी कि दादी भी उससे बात करें, लेकिन दादी ने दिशा को अंदर बुलवा लिया। दिशा खूब सारे गिफ्ट्स का बैग पकड़े अंदर आ गई। दादी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, ये एक नया मसाज मशीन है, आपके पैरों में दर्द होता था ना, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आयुष की माँ ने स्माइल देते हुए कहा, वाह दिशा तुम्हें दादी की कितनी फिक्र है, तुम्हें पता है उनके पैरों में पेन है, ये भी तुम्हें शायद फोन से ही पता चला होगा। ये बात सुनकर दिशा का चेहरा उतर गया, लेकिन वो एक एक्टर थी, उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन ठीक कर लिया। आंटी आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पिछली बार तुमने दादी को फोन दिया था और उसमें तुमने अपना अकाउंट बना रखा था और उस वजह से तुम्हें सब पता चल जाता कि हमारे घर में क्या चल रहा है। दिशा को लग रहा था ये जरूर अक्षिता ने ही बताया होगा। उसके चेहरे से स्माइल चली गई और वो थोड़ा घबराने लगी। अब नहीं आंटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। दिशा को लगा कि उनसे बात करना ठीक नहीं है, वो दादी की तरफ मुड़ी। दादी माँ उस वक्त आप भी तो वहीं थी, आपने सब देखा था जो मैंने किया। मैंने अपना अकाउंट इसलिए बनाया था क्योंकि आपका अकाउंट बना हुआ नहीं था, बस मैं आपको दिखाना चाहती थी कि फ़ोन कैसे चलता है। आयुष की माँ को कुछ समझ नहीं आया कि दिशा क्या कह रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी। वो जानती थी कि वो यहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए आई है, वो दिशा से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कमरा छोड़कर अपने कमरे में चली गई। दादी माँ मेरा यकीन करो, दिशा जानबूझकर रोने लगी और दादी से मदद मांग रही थी। दादी को भी दिशा पर यकीन नहीं था, लेकिन दिशा को उससे कोई मतलब नहीं था, वो बस अक्षिता को बाहर निकालना चाहती है, वो नहीं चाहती कि दादी अक्षिता के बारे में कुछ सोचे। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो दादी के दिल में अपनी जगह वापस कैसे बनाए। दादी ने दिशा को बड़े होते हुए देखा है, वो इस तरह ही मौका हाथ से निकालने नहीं देना चाहती थी। दादी ने अभी भी अपनी स्माइल रोक रखी थी, लेकिन दादी ने सोचा कि उन्होंने हमेशा से ही दिशा को अपनी पोती माना है और वो उसके दोस्त की पोती हैं, इसलिए दादी को लगता था कि दिशा अक्षिता से ज्यादा सही है। और अगर बात रही अर्पित की, तो जब दिशा आयुष से शादी कर लेगी तो अर्पित के मन में अपने आप ही फीलिंग्स आ जाएंगे, अभी तो अर्पित छोटा है। दिशा क्या तुम्हें आयुष पसंद है? क्या? ये सुनकर दिशा बहुत चौंक गई, उसने उम्मीद नहीं की थी कि दादी उससे ये सवाल यूं ही पूछ लेगी। उसे लग रहा था कि दादी तो उसे नापसंद करने लग गई है, तो फिर उन्होंने ये सवाल क्यों पूछ लिया, और अब मैं सवाल का क्या जवाब दूं? दादी तुम तो जानती हो कि मैं शुरू से ही आयुष को पसंद करती आई हूं। दादी ने अपनी चाय पी और एक गहरी सांस ली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे सचमुच पसंद करती हो, क्या तुम देखती नहीं वो अक्षिता के लिए कितना कुछ करता है? दिशा ने दादी की बात को ध्यान से सुना। जब दादी ने उसे यह सवाल पूछा था, वो दिशा को टेस्ट कर रही थी। दिशा थोड़ा घबरा रही थी, उसने कहा, दादी
आज मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कहने का मतलब क्या था। मैंने हमेशा से ही आयुष से प्यार किया है, जब मैं छोटी थी, लेकिन अब उसके दिल में अक्षिता है, क्योंकि अक्षिता अर्पित की माँ है, तो हम अक्षिता का क्या करेंगे। और वैसे जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम उसकी खुशी में खुशी देखते हैं। जब आयुष अक्षिता के साथ होता है तो वह खुश होता है। ये बात कहते वक्त उसने रोने का नाटक किया। वह ऐसा दिखा रही थी जैसे वो इतनी सारी मुसीबतों से गुजरी है। दादी जितना दिशा को पसंद करती थी अब उतना नहीं करती, लेकिन वो देख रही थी कि दिशा आयुष से कितना प्यार करती है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पीठ पीछे काफी लोगों ने मुझे कहा है कि तुम एक एक्टर हो, और जो तुम कहती हो वो सच नहीं होता। मैंने तुम पर शक किया था, लेकिन मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, लेकिन उसके दिल में तो अक्षिता है। दिशा बहुत कंफ्यूज होकर देखने लगी। वो अक्षिता से बदला लेना चाहती थी। दादी माँ, मैं एक एक्टर हूं, पर मेरे बारे में तो रोज खबरें छपती रहती हैं, लेकिन आप सही और गलत में तो पहचान कर सकती हो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। हमारी इंडस्ट्री में किसी भी चीज को सच्चा नहीं माना जाता, ना ही वो अपने सच के बारे में किसी को भी बताते हैं। अब जैसे कि एक औरत है जिसे एक घर खरीदना था, लेकिन उसकी औकात नहीं थी, पर आयुष ने उसे वो विला खरीद के दे दिया जो पता नहीं कितने करोड़ों का है। तो आखिर ये सब क्या हुआ?